तो गैस आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पकोड़े, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती, हरी मिर्च, सरसों, ज़ीरा, सौंफ और बारीक कटा प्याज, और ये आलू मैंने बॉईल करके मैश करके रख लिया है। यहाँ लहसुन है पेस्ट, और यहाँ पे नमक, हल्दी मिर्चा का पाउडर और ज़ीरा पाउडर। तो कढ़ाई गरम है पहले से, और इसमें तेल डालना है, और उसके बाद उसमें सरसों डालेंगे पहले। और इसमें सौंफ डालेंगे, फिर उसमें ज़ीरा डालेंगे, और जब तक इसकी खुशबू ना आए थोड़ी देर पकने दें। और उसके बाद प्याज डालना है, हरी मिर्च कटा हुआ डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करें। ब्राउन होने तक अच्छे से थोड़ा धनिया पत्ती डालें, फिर इसे अच्छे से मिक्स करें। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो रहा है, और इसमें सूखा मसाला जो पाउडर रखा था मैंने, वो सब इसमें डालकर भूनना है। सब मैंने पहले निकाल लिया था अंदाज से, जितना पड़ेगा थोड़ा सा, आधा कप से कम पानी डालकर इसे अच्छे से भूनना है मसाले को, ताकि इसका कच्चापन सब निकल जाए और अच्छे से पक जाए मसाला। अच्छी देर तक इसे, जब तक तेल निकल ना आए, अच्छे से इसको भूनना है। और अब इसमें, तो गैस मसाला भुना चुका है, इसमें अब मैं आलू डाल रही हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स करना है, अच्छे से इसको चला चला कर, मिला मिला कर अच्छे से मिक्स करना है। चलाते रहें इसे अच्छे से, पूरे अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इसमें अब धनिया पत्ती जाएगा, फिर इसे अच्छे से मिक्स करें। और ये अच्छे से बिल्कुल देखिए तैयार है एकदम, आलू मसाला बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अच्छे से भुन चुका है, अब इसे निकालना है, दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लें। देखिए सारा आलू अच्छे से सबको निकाल कर दूसरे बर्तन में रखना है। और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें, अभी बहुत गर्म है गाइस, तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर इसका मैं डोई बनाऊंगी। अभी बहुत गर्म है, इसे अच्छे से दूसरे चम्मच से फैला लें ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और अब मैं इसे हटाकर थोड़ा मैं बेसन लेती हूँ, और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है,
और मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी मिर्च का पाउडर इसमें डल चुका है। और इसमें फिर थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, हल्का ही नमक देना है ताकि ज़्यादा तीखा तेज़ ना हो जाए नमक, ज़्यादा तेज़ नमक अच्छा नहीं लगता। और इसे पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें जब तक इसका बिल्कुल लंग्स एकदम मिल ना जाए अच्छे से, लंग्स नहीं रहना चाहिए ज़रा भी एकदम। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया, ज़रा भी लंग्स नहीं है, अच्छे से मिक्स हो गया। और ये देखिए मैंने आलू को डोई बना के रखा है पहले से, और इसे अब इसका बेसन में लपेट कर अच्छे से इसको फ्राई करना है। तेल पहले से गर्म था, मैंने पहले से कढ़ाई चढ़ा रखी थी तेल डालकर, और इसे अच्छे से फ्राई करें। तो गर्मा गर्म आलू पकौड़ा देखिए फ्राई हो रहा है गाइस, मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म पकौड़ा आलू का और चाय, इसका लुत्फ़ उठाइए। बारिश के मौसम में पकौड़े खाएं, चाय पिएं, इसका मज़ा ही कुछ और है। तो ये देखिए लाल हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है ये पकौड़ा। और मैं इसे अब दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूंगी। ये देखिए गर्मा गर्म आलू का पकौड़ा तैयार है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म आलू का पकौड़ा और टमाटो सॉस। अगर वीडियो पसंद आए गाइस तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल एकदम ख़ास था, गर्मा गर्म, टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है, ये देखिए। ओके गाइस, बाय गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद मैं मुल्तानी मिट्टी क्रंच करने वाली हूँ, ये देखिए कितना ठीक है। तो क्रंच स्टार्ट करते हैं गाइस।